सरप्राइज़, आज मम्मी पापा आ गए हैं पटना से, तो बहुत खुशी है। अब घर में रौनक लगी रहेगी और खूब मस्ती मजाक होगा। और ये देखिए, हस्बैंड जी लेके आए थे स्टेशन से, पहले मम्मी को लेके आए थे फिर पापा को लेके आए थे। तो ज़्यादा दूर नहीं है हमारे क्वार्टर से स्टेशन, तो बस 5-2 मिनट लगते हैं यहाँ से जाने में गाड़ी से। तो यहाँ सब कोई आ गए हैं, अब पापा अंदर आएंगे, उसके बाद ओरियो और कोको से मिलेंगे, तो वो आपको दिखेगा। ये देखिए दोनों लगे पड़े हैं। ओरियो बहुत इनसिक्योर हो रहा था कि ये तो पहले मेरे नानू हैं उसके बाद कोको के नानू हैं, तो ये तो भाई ज़्यादती हो रही है, गोदी ले लिया गया है कोको को। और ओरियो बेचारा नीचे है, उस भौंके जा रहा है कि इसको नीचे उतार दो, तो ऐसा है। तो चलिए देखिए और एंजॉय कीजिए, और आगे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग अब आने वाले हैं, क्योंकि घर में जब फैमिली आ जाती है तो एक अलग एनर्जी और एक अलग माहौल बन जाता है, तो आप लोगों के साथ वो शेयर करेंगे। तो अब तक बने रहिएगा वीडियो में, नया है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखना, और वीडियो के लिए वेट कीजिएगा अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कहीं कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अपने घरों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की सुबह मिलवाते हैं। हेलो मम्मी आ गई, यही था इसीलिए इतना साफ सफाई हो रहा था घर का। और मम्मी और सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। मम्मी आ गई, मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था लेकिन फिर भी आना था तो आना था, तो आ गई। बच्चा लोग के चक्कर में आना पड़ा, तबीयत खराब रहे ना रहे, है ना। और मिलवाते हैं पापा से। हेलो पापा, सब पहुंच गए, घर में बैठे हुए हैं। नॉर्मली नहीं बोलते, गर्मी लग रही है यहाँ तो। यहाँ तो बहुत गर्मी है, हम लोग पटना से आए हैं लेकिन पटना में उतनी गर्मी नहीं है जितना यहाँ, ज्यादा गर्मी है। बहुत परेशानी होता है गर्मी में यहाँ रहने में। एसी में सोते हैं बच्चे, अब बच्चे लोग के साथ अब अच्छा लगेगा ना बाबा। अब होली, चूंकि होली है इसलिए वहाँ अकेले रह के क्या करते, इसलिए आए, इसलिए बच्चे लोगों के साथ होली खेलने के लिए और यहीं सब मिल करके। अब वसु के बर्थडे तक रहेंगे, वसु के बर्थडे तक रहेंगे ना, अब वसु के बर्थडे तक यहीं रहेंगे और परिवार के साथ होली मनाएंगे, होली यहाँ अच्छी तरह से मनाएंगे। इधर लग रहा है प्रवचन दे रहे बाबा। और कोको, अब कोको से मिल लिए, और एक छोटा मेहमान यहाँ आया हुआ है, आई हुई है लगता है आप लोग से भेंट हुए है, नहीं पता नहीं। हाँ इन लोग को तो दिखा चुके पहले ही कोको से, वो बहुत सुंदर है, प्यारी है, क्यूट है, बहुत अच्छी लग रही है। बार बार घूमते रहती है साथ में, जाना बाजार, बाहर जाना, घूमना, अनजान नहीं लगता उसको कि अनजान है कोई, चारों तरफ घूमना, शामेर है कि शांत है, ज्यादा हल्ला नहीं करती है, परेशान नहीं करती है, आराम से। और आयु आते के साथ आयु का डिमांड आया है झंगड़ी लाने के लिए ना। बाजार गए थे तो वहाँ मिल गया झंगड़ी, तो झंगड़ी यहाँ झंगड़ी इन लोग तो हरा चना, हरा चना है जिसको हम लोग बिहार में झंगरी बोलते हैं, तो हरा चना जो पूरा फली होता है वो दिखाते हैं। और पापा भी लेके आए हैं आयु के लिए, कि क्योंकि हम उतना बनाते नहीं हैं केले में, तो ये है देखिए आप लोगों को मैं दिखा दूँ, ये है हरा चना की जो पूरी फली होती है इस तरह की, ये है झंगरी। तो आयु के कहने पे पापा लेके आए हैं और कपड़े वगैरह धुल चुके हैं, कोको ओरियो सब सोया हुआ है और खाने की तैयारी हो रही है। रात में ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि शाम में पापा लोग आए थे, तो फिर बात बात करते करते टाइम बीत गया, खाना वाना में भी फिर लग गए हम, तो इसलिए टाइम का पता नहीं चला। और सुबह में फिर चाय पानी नाश्ता होते होते, तो आपको पता ही है घर में आते हैं फैमिली वाले तो बात ही ख़त्म नहीं होती, तो बात करते करते टाइम का पता नहीं चला, तो अभी बस मैंने फ़ोन उठाया है तो ऐसा है। तो चलिए फिर बने रहिएगा वीडियो में, उसके बाद आपसे मिलते हैं।